रेवाड़ी में अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासंगठन की बैठक का आयोजन। राष्ट्रीय अध्यक्ष रतनलाल विश्वकर्मा ने शिरकत की। समाज को एकजुट करने और राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन के माध्यम से समाज के लोगों में भरा जोश। प्रीतम सिंह जांगिड़ द्वारा नई पार्टी बनाने पर दी बधाई। बोले समाज के लोग प्रीतम जांगिड़ के साथ। एंकर, रेवाड़ी के निकटवर्ती गांव भूरथल थेठ में रविवार को अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासंगठन की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन को मजबूत करने और राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। बैठक में विश्वकर्मा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रतनलाल विश्वकर्मा ने शिरकत की, जबकि प्रदेश अध्यक्ष रमेश विश्वकर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में विश्वकर्मा समाज के पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे और संगठन को एकजुट करने के लिए समाज के लोगों से आह्वान किया। इस अवसर पर विश्वकर्मा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रतनलाल विश्वकर्मा ने नए पदाधिकारियों और सदस्यों की नियुक्ति के साथ ही उन्हें नियुक्ति पत्र दिए। नई पदाधिकारियों और सदस्यों को राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में शपथ भी दिलाई गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष रतनलाल विश्वकर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में समाज का इतना बड़ा कार्यक्रम और लोगों की उपस्थिति यह दर्शाता है कि संगठन मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के 17 राज्यों में उनका संगठन मजबूती की ओर बढ़ रहा है। संगठन जितना मजबूत होगा और समाज के लोग जितना एकजुट रहेंगे, उतना ही राजनीति में भागीदारी भी विश्वकर्मा समाज की होगी। उन्होंने जय भारत जय श्री विश्वकर्मा के नारे लगाते हुए अपना संबोधन शुरू कर कहा कि जिस तरह गांव में आज इतना सफल आयोजन हुआ है, उसे लगता है कि वह अपने इरादे में जरूर कामयाब होंगे। समाज के लोगों को एकजुट करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक समाज के लोग अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा रहे थे, जिसकी वजह से समाज पिछड़ता जा रहा था। राजनीति में भी विश्वकर्मा समाज की भागीदारी ना के बराबर है, जबकि विश्वकर्मा समाज काफी बड़ा समाज है। इसके लिए जागृति और क्रांति लाने की जरूरत है, साथ ही संगठन को मजबूत करना, विश्वकर्मा समाज को एकजुट करना समाज के लोगों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर विश्वकर्मा समाज एकता के साथ ओबीसी वर्ग मिल जाए तो यह पूरे भारतवर्ष पर राज कर सकता है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी भूल विश्वकर्मा समाज की यही है कि वह यह सोचते हैं कि उनका वजूद नहीं है, उनका संख्या बल कम है। राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें टुकड़ों में बांटकर भ्रम फैलाया हुआ है, जबकि सबसे बड़ा समाज विश्वकर्मा समाज है जो हाथ से कार्य करता है। इसलिए जरूरत है अपनी संख्या बल को बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने की। उन्होंने कहा कि 10 रुपए की सदस्यता शुल्क जमा कर सदस्य बने और संगठन को मजबूत बनाए। संगठन जितना मजबूत होगा, उतना ही राजनीति में भागीदारी भी सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी पार्टी विशेष से कोई चंदे की आवश्यकता नहीं है। समाज के काफी शिक्षण संस्थान चल रहे हैं। फिलहाल राजनीति में भागीदारी और सत्ता की आवश्यकता है। आने वाले समय में विश्वकर्मा समाज के बच्चे पार्षद, विधायक, सांसद और मंत्री बन सकते हैं। अब उन्हें यह पूरा विश्वास हो रहा है। उन्होंने कहा कि 17 प्रदेशों में संगठन सक्रिय होने से यह स्पष्ट हो गया है कि राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ हो गई है। उन्होंने कहा कि समाज ने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, लेकिन अब डर कर जीने की जरूरत नहीं है। अपने अधिकारों कर्तव्य को समझकर अपने संगठन को एकजुट कर किसी फौज की तरह अपनी ताकत का प्रदर्शन करें। प्रत्येक जिले में अपना कार्यालय खोलें ताकि विश्वकर्मा समाज के संगठन को मजबूती मिल सके। इस अवसर पर उनके साथ राजनीतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश विश्वकर्मा, राजनीतिक प्रकोष्ठ के महासचिव रमेश कुमार, संगठन सचिव पुष्पा शर्मा जांगिड़, प्रीतम सिंह जांगिड़, चमन जांगिड़ समेत बड़ी संख्या में विश्वकर्मा समाज के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज के सम्मेलन के अध्यक्ष श्री रमेश जी से मैं आग्रह। राजनीतिक प्रकोष्ठ का प्रादेशिक कार्यालय का उद्घाटन आज किया गया है और इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की काफी टीम मौजूद है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रतनलाल जी विश्वकर्मा और बहन दर्शन जांगिड़ जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इंदु जी, और प्रदेश अध्यक्ष और राजनीतिक प्रकोष्ठ के हैं श्री रमेश कुमार जी, जिनका ये आयोजन है आज का, डॉक्टर रामचंद्र जांगिड़ जी जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं राजनीतिक प्रकोष्ठ के, ये सभी आज मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। हमने इस ऑफिस का आज उद्घाटन यथावत किया है और आने वाले समय में
यहाँ रिवाड़ी ही नहीं पूरे प्रदेश की एक आवाज़ ये राजनीतिक प्रकोष्ठ विश्वकर्मा समाज के लिए बनने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी आपसे कई बार बात हुई कि विश्वकर्मा समाज का ये महासंगठन हमने क्यों बनाया। इसमें हम सभी संगठनों को लेकर चल रहे हैं, जिसमें जांगिड़, पांचाल, धीमान, सुथार, रामगढ़िया, टॉप, ये सभी आते हैं। और हम चाहते हैं कि एक राजनीतिक भागीदारी जो मेन है आज के समय में, इस विश्वकर्मा समाज को अपने अधिकार के रूप में मिले। तो उसके लिए हमारे इस महासंगठन का निर्माण हुआ है और उसकी आज एक प्रादेशिक कार्यालय का यहाँ पर हमने उद्घाटन किया। राजनीति में हमारी भागीदारी मैं तो कहूँगी अभी ना के बराबर है, क्योंकि सब अलग अलग बटे हुए हैं। जांगिड़ अपने आप में व्यस्त है, सुथार अपने आप में, धीमान अपने आप में। तो हमने एक प्रयास किया है कि हम सबको एक बैनर के तले लाएं, यानी अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन एक बैनर है जिसके नीचे ये सभी आ चुके हैं। और अब हमें भागीदारी अवश्य मिलेगी, क्योंकि एक सिंगल व्यक्ति अगर जाके बात करता है तो उसका उतना असर नहीं होता है। ये एक मुट्ठी वाली बात हमने की है, एक मुट्ठी जब बनती है तो आपकी ताकत का अंदाजा सामने वाले को लगता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पार्टियां खुद चलकर महासंगठन के माध्यम से अपने टिकट देने की हमारे विश्वकर्मा समाज को घोषणा करेंगे। ये मेरी उम्मीद है। ये प्रोग्राम जो है राजनीतिक प्रकोष्ठ में रखा है, यहाँ पर कार्यालय खोला गया है। इस कार्यालय के माध्यम से ये राजनीतिक प्रकोष्ठ हर विलेज गांव में, हर छोटे कस्बे में जाके वहाँ पर अपने महासंगठन के विचार, महासंगठन के कार्यों के बारे में विस्तार से लोगों को बताकर महासंघ से जोड़ने की कोशिश करेंगे। और महासंगठन संख्या बल बढ़ाने पर लगा हुआ है, जिससे कि हम लोग राजनीति में अपना हक प्राप्त कर सकें। ये आयोजन जो रखा गया है, आज का आयोजन बड़ा सफल रहा, उम्मीद से ज़्यादा सफल रहा। और हम आगे भी उम्मीद रखते हैं कि हमारा जहाँ भी कोई भी आयोजन होगा वो सफल होगा और विश्वकर्मा समाज एकजुट होकर राजनीति में अपनी भूमिका अदा करेगा। पत्र भी दिए गए हैं। हाँ, यहाँ पर हमने नए पदाधिकारी बनाए हैं, नियुक्त किए हैं, उनको नियुक्ति पत्र व शपथ ग्रहण कराई गई है, जिससे कि वो महासंगठन का कार्य ईमानदारी से और श्रद्धापूर्वक कर सकते। इससे आज हम बड़े प्रसन्न और बड़े खुश हैं। हमारा जो है दिल बाग बाग हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में इतनी गैदरिंग होना, ग्रामीण क्षेत्र में इतना सफल प्रोग्राम होना हमारे लिए आगे का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। और हमें उम्मीद है कि सारे गांवों में, क्षेत्रों में हम लोगों के साथ लोग जुड़ेंगे और हमारे महासंगठन को कामयाब करेंगे, ऊंचाई पर। इस तरह से लगता ही नहीं है, विश्वास है और हो रहा है। कितने संगठन हैं हमारे विश्वकर्मा समाज के, अब वो सब सिमटते हुए जा रहे हैं, वो सारे के सारे अब हमारे महासंगठन में आ रहे हैं। विचार हमारे लोगों को पसंद आ रहे हैं, क्योंकि हम तो राजनीतिक बेस से काम कर रहे हैं। हमें संख्या बल बढ़ानी है तो संपूर्ण विश्वकर्मा समाज को लेकर चल रहे हैं। यही चीज के जय भारत जय विश्वकर्मा हम लोगों को आगे लेके जा रहा है। हम चाहते हैं हमारे देश के साथ साथ हमारा विश्वकर्मा समाज भी आगे बढ़े। अब तक आपने कितने राज्यों में ये 17 प्रदेशों के अंदर आज हम कार्यरत, हमारे 17 प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष की पूरी कार्यकारिणी और जिला अध्यक्ष की कार्यकारिणी बन चुकी है। और हम हर प्रदेश में अपने प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इस बार हम राजस्थान में जा रहे हैं, वहाँ एक बहुत भव्य बड़ा प्रोग्राम भी किए हैं और हमारा हर प्रोग्राम सफल रहा है। ये विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद है और हम उम्मीद है कि आगे भी हम सफल हैं। पार्टी हम तो ये कहेंगे कि विश्वकर्मा समाज का कोई भी व्यक्ति पार्टी बनाए, राजनीति में आए और कैंडिडेट उतारे, हम उसका चाहिए।